मुझे लोगों से मिलना नहीं था, कि कोई खाने पे बुला रहा है तो अब मुझे नहीं जाना था, अब मुझे धीरे धीरे अपने आपस में अपने ही घर में ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगा, क्योंकि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी आ गई थी, सेंस ऑफ फियर आ गया था कि मुझे लोग ऐसे देखेंगे। हाय, मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच हूँ प्रोफेशन से, और बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी था, मैंने ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 118 किलो टू 70 केजीज। सो मेजरली ये जर्नी बहुत यूनिक था, क्योंकि मैंने सिर्फ फैट से मैं पतला नहीं हुआ था, मैं उसके आगे लेके गया, मैं बॉडी बिल्डिंग में गया, मैं फैट टू स्लिम गया, फिर मैं आगे बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट के लिए भी मैं स्टेज पे उतरा था। मैं बचपन से ही मोटा था, मतलब कि मुझे याद भी नहीं है मैं कब स्किनी रहा हूँगा, स्किनी साइड में नहीं था, बट आई वॉज नॉट वेरी फैट, आई वुडन कंसिडर ओबीज। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन होता है कि क्लासरूम में जाओगे 25 में से 20 बच्चे आपको दिख जाएंगे थोड़े से मोटे साइड में। हम लोग के केस में क्या होता था कि यू वुड सी ओनली 2 या 3 चेहरे जो मोटे हैं, बाकी सब पतले पतले रहते, नॉर्मल रहते। बट आई वॉज प्लेइंग स्पोर्ट्स, आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं इवन स्कूल में नेशनल्स खेला हूँ शॉर्ट पुट में, तो स्ट्रेंथ वाले गेम्स मुझे बहुत पसंद थे। स्नैकिंग का हैबिट था, जब बच्चे 2-3 पीस ब्रेड खाते थे तो आई वुड गो फॉर द एंटायर लोफ, क्योंकि पसंद एंड कोई रोकता नहीं था। मेरे आगे से नहीं बोलता था, बट मुझे पता है कि दे कॉल आउट नेम्स, दे कॉल मी मोटू, ऐसे पीछे से बुलाते थे, फैट शेम करते थे, बट पीछे से इट वॉज नॉट वेरी अपेरेंट कि सामने से करते हैं। जैसे मैं कॉलेज में पहुंचा फर्स्ट ईयर में, तो था कि पढ़ाई करो, सेमेस्टर्स है, जिम के लिए भी थोड़ा सा वर्कआउट के लिए टाइम निकाल लेते थे, वर्कआउट करते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग को सेटअप समझ में आया, वी वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर सीनियर्स टू अल्कोहल या फिर पीयर्स के साथ, कि ये एक तरीका होता है जो हम लोग को पहले सिखाया गया है कि ये गलत है, बट उस टाइम में थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन हो जाता है, देन आपको उसमें मज़ा आने लगता है। आपका जो ऑलरेडी वर्सेंट कंडीशन है, आप अगर ओबीज हो तो वो उसको और ख़राब करेगा। अब क्योंकि आप घर से निकले हो, आपको एक्चुअली एक सपोर्ट चाहिए होता है फ्रेंड्स का, आपको चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स रहें, सर्कल रहे, क्योंकि आपके फैमिली यहाँ पे नहीं है। अब आप कुछ भी करोगे कि आप कोप अप करने के लिए, तो अल्कोहल हो गया, आपको कुछ कुछ चीज़ें पसंद नहीं होगा, आप कर रहे होगे क्योंकि सब कर रहे हैं, राइट। आपको अगर पढ़ाई पसंद है, लेकिन आपके साइड में ऐसे लोग होंगे जो जिन लोग क्लास बंक कर रहे होंगे, मास बंक, क्लास ही बंक, तो ऐसे चीज़ में क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है, आप वैसे वैसे आप इनसिक्योरिटी के थ्रू घुसते जाते। पहले आपके दिमाग में पर्सपेक्टिव चल रहा हो कि आप वो माचो मैन हो करके, फिर धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप वो नाचो मैन हो चुके हो, कि आप नाचोस देखते ही आपको याद कर रहे लोग कि अच्छा सिद्धार्थ है ना, वो तो यार 2 प्लेट एक्स्ट्रा ले आओ, वो तो ख़त्म कर ही देगा। शादियों में या फिर बुफे है जहाँ पे, वहाँ पे लोग याद कर रहे होंगे यार सिद्धार्थ आया होता तो वो ना पैसे उठा लिए इस खाने का, वो चीज़ मतलब कि तब हंसना पड़ता था, बट अंदर से हम लोग हंस नहीं रहे होते, बट ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को भी पसंद आती होगी ये छोटे छोटे कमेंट जो जोक्स ऐसे करते रहते हैं लोग, कि ये तो सारा खाना निपटा लेगा, निपटा लेगी, तो मुझे भी वो पसंद नहीं आ रहा था। तो जब हम कपड़ों की बात करते हैं, तो एक ऐसा स्टेज आ गया था मेरे जर्नी में, डबल एक्सल पहनता था, 2 बटन के बीच में गैप, ठीक है, पेट ऐसे बाहर अलग से, बटन तो निकलने के लिए रेडी हो गए कि अब बॉडी छोड़ के निकल जाओ, डबल एक्सल में ये हाल था। तो तब ऐसे अलग से स्टोर नहीं हुआ करते थे, प्लस साइज स्टोर्स नहीं हुआ करते थे, कपड़े बनवाओ, ठीक है, ऐसे हालत हो गया था। वहाँ से मैं अपने आप को मीडियम तक लेके आया, वापस लार्ज एक्सेल लेके आया, फुल विथ मसल्स। तो
तो ये मेरे कपड़ों की ही ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे पास सारे साइजेस के क्लोथ्स है, फ्रॉम XL टू L टू M, सारे साइजेस के कपड़े हैं मेरे पास। जब आप हम लोग जॉब करने गए इन्फोसिस में गए, वो इट वाज इन मैसूर इन्फोसिस। ड्यूरिंग इन्फोसिस आई रीच्ड मस्ट बी 90s, मतलब कि बट उतना ज़्यादा नहीं लगता था। हाँ मोटा था, मतलब कि जो स्टार्टिंग से है तो वो प्रोपोर्शनेटली मोटा होते गया ना। अब और एक चीज़ हो गया, हम खुद कमाने लगे, ठीक है, तो वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया। तब क्या है कि आपको और कोई रोकने वाला नहीं है। अब क्या है, आपका जो हेल्थ जो बैक सीट में चले गया था वैसे भी, अब आपको लग रहा है कि मैं खुश हूँ ना, कि नाउ दैट आई एम अर्निंग एंड नोबडी हैज़ टू से एनीथिंग, मैं अपने खुद के पैसे का खा रहा हूँ पी रहा हूँ, वो वाला कंडीशन आ जाता है। बट वो आप इंसान अंदर से तो हो नहीं, तो आपको एक हेल्पलेसनेस और एक डिस्पैरिटी फील हो रहा होता है। आप कर कुछ और रहे हो, आप हो कुछ और, तो वो जो गैप बढ़ते जा रहा होगा बाय ईयर्स। तो इन्फोसिस में जैसे मेरी वाइफ हैं रिचा, उनसे मैं मिला, तो उस टाइम में क्या हुआ कि अगेन कि वो अलग एक लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गया, कि आप एक रिलेशनशिप में हो, वो अलग इमोशन स्टार्ट हो गए। तो जो आपका हेल्थ था वो पीछे तो था ही, वो और पीछे चले गया कि आप अभी और केयर नहीं करो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके इमोशंस लिमिटेड हैं, वो कहीं और चले गए। आपके टाइम लिमिटेड है, वो जॉब में जा रहा है, फिर आओ अपने नौकरी से आओ, घर में रेस्ट करो, खाना खाओ, वो सब में चले आ रहा है। जैसे सपोज़ कि हम लोग एज कपल कहीं पे गए हैं, सो आई वाज लुकिंग मच ओल्डर बिकॉज ऑफ द स्टैच्योर आई वाज हैविंग, जो ओवरवेट से एज ज़्यादा लगता था। तो पापा एंड बेटी लग रहे हैं। तो वो पीरियड हम लोग का चले गया कि एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा था अंदर से, बट हम कुछ कर नहीं रहे थे। धीरे धीरे जो अंदर का एथलीट था, जो शॉटपुट खेलता था, जो स्पोर्ट्समैन था, वो छुपते गया। तो मेरा हेल्थ बैक सीट में जो ऑलरेडी था, वो मुझे अंदर से जवाब देना स्टार्ट कर दिया। नाउ आई वॉज गेटिंग बॉडी एक्स, ब्लड प्रेशर हाई, चिड़चिड़े हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था कि हर बात में इरिटेशन हो रहा था। एक्चुअली इरिटेशन वो सामने वाले पर्सन की नहीं था, इरिटेशन ये था कि मैं एक ऐसे शरीर में रहता हूँ जहाँ मुझे रहना नहीं था, वो चीज़ का इरिटेशन हर चीज़ में निकल रहा था। अब कंट्रोल नहीं है खाने के ऊपर, खाना खाते रहो, इरिटेट होते रहो। जब मैं 118 और उस केस में जब बहुत 100 प्लस जब भी जो भी टाइम फ्रेम हम लोग का रहा है, उस दौरान माइंड में एक फॉग रहता है जनरली, कि एक इनसिक्योरिटी वाला फॉग रहता है। आप हो काम पे, आप काम कर रहे हो, बट खड़े हो के आपको नहीं बात करना किसी से, आप नहीं दिखना चाहते, आप फोटोग्राफ्स में सामने नहीं खड़े होगे, मतलब मैं फ़ोटो ले लेता हूँ सबकी, आप नहीं आना चाहोगे फ्रेम में। मुझे जितना पीछे काम करना है, जितना पीछे काम करने को बोलो वो अच्छा लग रहा था, मतलब आई वॉज कम्फर्टेबल इन अ प्लेस वेयर आई डिडंट हैव टू शो माई सेल्फ। सामने जाके बात करना में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे लोगों से मिलना नहीं था, कि कोई खाने पे बुला रहा है तो अब मुझे नहीं जाना था, अब मुझे धीरे धीरे अपने आपस में अपने ही घर में ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगा, क्योंकि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी आ गई थी और एक सेंस ऑफ फियर आ गया था कि मुझे लोग ऐसे देखेंगे, क्योंकि मैं तो कुछ और दिखना चाहता था बचपन से, अब मैं यंग हूँ और इस टाइम में तो ऐसे नहीं दिखना चाहता हूँ। तो मैं अपने आप को ढूंढने लगा कि यार वो एथलेटिक वाला जो फीलिंग था कि तुम भाग पा रहे हो, तुम कूद पा रहे हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम खींच पा रहे हो, तुम फेंक पा रहे हो चीज़ों को, कहीं से भी कूद पा रहे हो, वो चीज़ का जो फीलिंग था ना, वो मैंने सालों साल, मुझे याद भी नहीं आ रहा कितने साल निकल गए, 30s अगर मैं टच करने वाला था तो मुझे याद ही नहीं आ रहा 15 साल मैंने एक्सपीरियंस किया भी है क्या। तो जैसे मैंने बोला कि 118 एक दिन में तो पहुंचा नहीं था, ड्यूरिंग ड्यू कोर्स ऑफ टाइम
मैं खा पी के आराम से 118 बना लिया था. बट दैट टाइम माय सन वाज वेरी स्मॉल, ही वाज 1 ईयर और 2 ईयर किड. तो उसको उठा के एक दिन मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था, फिर मैं देखा कि मैं 5 सीढ़ी चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई वॉज गेटिंग ब्रेथलेस. तो मैं कि यार जब तक ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं तो उठा ही नहीं पाऊंगा, लाइक आई एम नॉट फिट एनफ टू कैरी माई ओन चाइल्ड. वो प्रॉब्लम होने लगा था. तो फिर उस दिन से क्या हुआ कि ध्यान वापस आया, तो फिर से उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. तब क्या होता था, इंटरनेट उतना ज़्यादा ये नहीं था कि एक्सेसिबल नहीं थे, इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं थे, तो हम लोग मैगजीन से पढ़ते थे कि ये खाओ तो ऐसा होगा, वो खाओ. तो बेसिक एक आइडिया होने लगा कि तुम्हारा कैसे खाना एक दिखना चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए, एक बेसिक आइडिया. मैंने काफ़ी लोहे तोड़े उसके लिए, धीरे धीरे डाइट के बारे में सीखा, मैंने कुछ कोचेस की मदद ली कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया. अब पूरा टाइम जब मैं खुद के ऊपर काम करने लगा उसमें फिर मज़ा आने लगा. मैं जैसे जैसे फैट लूज करते रहा, मेरा एज आई टोल्ड यू कि मेरा गेम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग था, तो वो बहुत अच्छा होने लगा. तो उसके साथ मैंने मसल्स गेन किए, थोड़ा सा फैट लॉस किया, फिर मैंने सीखा कि यार एक बार फैट लॉस अच्छे से करो फिर मसल डालना सीखो, फिर वो साइक्लिक हो जाता है कि आप मसल डालते हो फैट लॉस करो. ये बहुत एन्जॉयबल प्रोसेस है. वो इतना एन्जॉयबल था कि मैंने इसको अपना करियर बना लिया. लाइक 5 साल हो गए मैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोचिंग में हूँ, तो एंड आई रियली फील नाउ दैट दिस इज वॉट I should have been doing and this is what I am meant for. जो फिट हो जिनको होना है उनको ज़रूरत है कि आप जो न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो ना उसका भी क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि. तो फिर मैं सारा चीज़ खाता था, मैं राइस भी खाता था, दाल भी खाता था, चिकन भी खाता था, अंडे खाता था, मैं कुछ भी उबला नहीं खाता था, मैं नॉर्मल होम कुक स्टाइल में ही खाता था. उसी में मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस किए थे, जो सस्टेनेबल था वही किया हूँ, वही भी आज करता हूँ मैं. आगे लोगों को भी यही एडवाइस देता हूँ, अच्छा खाना खाओ, उसको बर्न कर लो, उतना मेहनत कर लो कि वो अच्छा खाना आपके बॉडी में यूज हो. जो 18 साल का सिद्धार्थ था और जो मैं अभी 38 ईयर्स का हूँ, इन दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि तब मैं जो करना चाहता था और जो कर रहा था उसमें बहुत डिफरेंस था. अब मैं बहुत कंटेंट हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हेल्पलेसनेस फील नहीं करता, मैं बहुत पीसफुल हूँ. जो स्ट्रेंथ है ना एक ह्यूमन का, वो बहुत ही वास्ट है एक ह्यूमन को, एंड हर इंसान का हक होता है कि वो स्ट्रेंथ को एक बार लाइफ में अचीव करे एंड उसको मेंटेन करे. बच्ची हो, जो भी हो, कोई भी एज ग्रुप में हो, देयर इज़ अ लिमिटलेस स्ट्रेंथ स्लीपिंग इनसाइड यू. वो जगाना बहुत ज़रूरी, वो एक बार जाग गया फिर वो जो अंदर का जो विगर है और वो हर इंसान को महसूस करना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, एंड उसको लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेन करना फिर ज़रूरी है. आपको अंदर, आपके अंदर जो सिद्धार्थ है, आपका सिद्धार्थ है, आप उसको पहले पहचानो, उसका वॉइस सुनो, देन फाइट फॉर इट नॉट अगेंस्ट इट. ये आप खुद कर सकते हो. आपके सरकमस्टांसेस खराब नहीं है, आप खराब सरकमस्टांसेस देख रहे हो, आपके पास जो है वो आप यूज करो. आप ही अपने आप को आगे ला सकते हो, आप ही अपने आप को बचा सकते हो, आप ही आपके बैक देख रहे हो. देर इज़ नो वन एल्स सेविंग यू, दिस इज़ यू एंड ओनली यू कैन डू इट.